वैसे तो अगस्त आजादी का महीना माना जाता है, लेकिन पिछले 5 सालों में अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम फैसले लिए हैं। संजोग ये है कि ये सभी फैसले 5 अगस्त को ही लिए गए हैं। सभी को अब बस इस बात का इंतजार रहता है कि प्रधानमंत्री इस बार क्या फैसला लेने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं कि 2017 से 2021 तक ऐसे कौन से फैसले हैं जो 5 अगस्त को लिए गए हैं। 5 अगस्त 2018, इस दिन उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय स्टेशन पर ही मृत अवस्था में पाए गए थे। 5 अगस्त 2019, इस दिन मोदी सरकार ने कश्मीर पर बड़ा फैसला लेते हुए धारा 370 खत्म कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में कही बात को साकार किया था। 5 अगस्त 2020, इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। राम मंदिर के मुद्दों को लेकर ही बीजेपी ने सत्ता पाई थी, ऐसे में ये भी बीजेपी का एक अहम एजेंडा था। बात करें आज की तारीख की, यानी 5 अगस्त 2021, तो आज भी लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस दिन कोई बड़ी घोषणा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इस बार कोई बड़ी घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश में अन्न उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज राज्य के सभी सरकारी राशन दुकानों में पीएम गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया गया। वहीं सरकार के फैसलों से इतर आज की तारीख में कुछ ऐसा हुआ कि ये ऐतिहासिक बन गई। दरअसल हॉकी में 41 साल बाद भारत को कांस्य पदक मिला। टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया ने जर्मनी को हराकर पदक हासिल किया। वहीं आज ही भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।